गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज एक की थी और एक्सरसाइज एक के हमने चार क्वेश्चन कर लिए थे। हमारे पास जब दो दो परिमेय संख्याएं थी उनके बीच प्लस माइनस गुणा और भाग किया। आज हमारे पास तीन या चार परिमेय संख्याएं दी गई हो और उनके बीच जब प्लस माइनस या गुणा दिया गया तो कैसे सॉल्व करें। देखो आंसर क्वेश्चन नंबर पांच में पार्ट नंबर तीन, यानी सात माइनस सात बटे पांच कोष्टक गुणा दो बटे तीन गुणा पंद्रह बटे सोलह गुणा कोष्टक माइनस आठ बटे नौ, यानी पूर्णमास के नियम से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो सात बटे पांच गुणा दो बटे तीन गुणा पंद्रह बटे सोलह गुणा माइनस आठ बटे नो। अब हम हमारे पास गुणा का निशान है तो हम तिरछा काट सकते हैं, नीचे को नीचे से नहीं काट सकते, अंश को हर से काट सकते हैं, हर को अंश से काट सकते हैं, बल्कि हर हर को नहीं काट सकते और अंश को अंश से नहीं काट सकते। तो देखो कट रहा उसको काट दो, तीन एकम तीन और तीन पंजो पंद्रह, यानी सात बटे पांच गुणा दो बटे एक गुणा पांच बटे सोलह गुणा माइनस आठ बटे नौ। अब देखो आठ से कटा, आठ एकम आठ और आठ गुणी सोलह, अभी दो से दो कटा है, दो एकम दो और दो एकम दो, ऊपर कितना बचा माइनस सात बटे पांच गुणा ऊपर एक बटा एक गुणा ऊपर पांच नीचे एक गुणा ऊपर माइनस का एक और बटे में नौ, अभी पांच से पांच कट रहा है, पांच एकम पांच और पांच एकम पांच, सात बटे माइनस सात बटे एक गुणा एक बटा एक गुणा एक बटा एक गुणा माइनस एक बटा नौ। अब हमारे पास सभी के बीच गुणा का निशान है तो दो दो संख्या ले लो, सात एकम सात यानी माइनस का सात बटे एक एकम एक गुणा एक एकम एक माइनस का एक बटे नौ एकम नौ। अब देखो सात एकम सात और माइनस नाइन से प्लस, यानी सात बटे नौ, ये हमारा आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन नंबर पांच में ही पार्ट नंबर चार, अब की बार इनके बीच भाग का निशान दिया गया है और अब की बार दो कोष्टक दिए गए, यानी बोर्डमास के नियम से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यदि ब्रैकेट के बीच एक संख्या तो सीधे ब्रैकेट को खोल देंगे, यदि एक से अधिक संख्याएं हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट की संख्या को सोल्व करेंगे। यहाँ पे छोटा कोष्टक है, इसके बीच में सिर्फ एक ही संख्या, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को खोल देंगे, एक बटा दो भाग कोष्टक माइनस एक बटा तीन भाग दो बटे सात। अब हमारे पास बड़ा ब्रैकेट बच गया है परंतु उसके बीच में दो संख्याएं यानी दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनको सोल्व करेंगे, सबसे पहले उनको सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे कि उनके बीच भाग का निशान है और जब भाग के निशान को हम गुणा में चेंज करेंगे तो निशान से आगे जो संख्या वो पलट जाएगी, जो अंश है वो हर हो जाएगी, हर वो अंश हो जाएगी। देखो एक बटा दो भाग कोष्टक माइनस एक बटा तीन, अब इसको मैं गुणा में चेंज कर रहा हूं तो सात तो ऊपर और दो नीचे, एक बटा दो भाग का निशान, अब इसको सोल्व कर लो, सात एकम सात माइनस का और तीन दूनी छह, यानी आप बड़े कोष्टक में सिर्फ एक ही संख्या तो इसको खोल देंगे, एक बटा दो भाग का निशान माइनस सात बटे छह। अब इस भाग के निशान को हम गुणा में चेंज करेंगे तो आगे संख्या पलट जाएगी, तो एक बटा दो गुणा अभी छह तो ऊपर चला गया और सात ही नीचे आ गया, यदि माइनस ऊपर या नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुणा का निशान तो काट सकते हैं, दो एकम दो और दो दिया छह, तीन एकम तीन और माइनस का तीन बटे सात एकम सात। क्वेश्चन नंबर छह, अब की बात इससे पहले तो हमें या तो सिर्फ भाग का निशान देना था या गुणा का या प्लस का या माइनस का, अब की बात है गुणा का निशान भी है माइनस का और प्लस का, तो सबसे पहले बोर्डमास का नियम क्या होता है, देखो
बोर्ड मास। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस तीन बटे सात माइनस दो बटे सात गुणा तीन बटा दो प्लस तीन बटे पंद्रह गुणा पांच बटे नौ। अब बोर्ड मास का नियम क्या करता है, यदि भाग दिया गया तो भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटा। यानी हमारे पास भाग नहीं है, अब हमारे पास गुणा। सबसे पहले हम गुणा की संख्या को सोल्व करते हैं, और गुणा किस किस के बीच में है, तो इन दोनों के बीच है गुणा का निशान, इन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच है। सबसे पहले इनको यदि कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे तो सीधा गुणा कर देंगे। देखो कट रहे हैं, ये नहीं कट रहे सोल्व करो, इनको ये कट रहे हैं दो एकम दो, दो एकम दो, ये भी कट रहे हैं तीन एकम तीन, और तीन दिया नौ, पांच एकम पांच, और पांच दिया पंद्रह। अब देखो तीन दिया नौ माइनस का नौ बटे सात पंजो पैतीस माइनस तीन एकम तीन बटे सात एकम सात प्लस कम सौ एक एकम एक, और तीन दिया नौ। अब यानी सबसे पहले हमारे पास अब देखेंगे माइनस और प्लस, जब माइनस या प्लस दिए गए हो तो सबसे पहले हमें लघुतम लेंगे, चाहे माइनस हो या प्लस हो, तो लघुतम लेंगे पैंतीस सात और नौ का, और पैंतीस सात और नौ का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड से हमें लघुतम लेंगे। सबसे पहले तीन का भाग जा रहा है तो पैंतीस का तो पैंतीस, सात का सात, और तीन दिया नौ, फिर से तीन का जा रहा है पैंतीस का पैंतीस, सात का सात एक का एक, अब पांच का जा रहा है पांच सता पैंतीस, सात का सात एक का एक, अब फिर से सात का जा रहा है सात एकम सात सात एकम सात सात एकम सात, यानी एक एक आ जाए तो हम छोड़ देंगे। अब देखो तीन गुणा पांच गुणा सात, तीन दिया नौ, नौ पंजो पैंतालीस, पैंतालीस आता तीन सौ पंद्रह, यानी हमारे लघुतम आ रहा है तीन सौ पंद्रह। अभी हमारे काम है इसको काट दो, अब लघुतम है तीन सौ पंद्रह, नीचे लिखो तीन सौ पंद्रह, यहां से उतारेंगे माइनस का नौ गुणा, अब माइनस के नौ के नीचे कितना है पैंतीस, तो यहां से हम पैंतीस को छोड़ देंगे, देखो सात पंजो पैंतीस, पैंतीस को छोड़ देंगे बचेगा कितना तीन दिया नौ, तो नौ से गुणा कर देंगे माइनस का, यहां से उतारे तीन गुणा, अब तीन के नीचे कितना है सात, यहां से सात को छोड़ देंगे बचेगा कितना तीन दिया नौ, नौ पंजो पैंतालीस प्लस का निशान, यहां से उतारेंगे एक गुणा एक के नीचे नौ, अब दोबारा नौ छोड़ देंगे तीन दिया नौ बचेगा कितना सात पंजो पैंतीस, नौ नंबर इक्यासी और किसका माइनस का, माइनस का निशान देखो तीन पंचो पंद्रह, पंद्रह पांच असल की एक, चार किया बारह एक तेरह प्लस का निशान पैंतीस एकम पैंतीस बटे तीन सौ पंद्रह, यहां से माइनस का एक इक्यासी बता दिया। अब देखो ये माइनस का एक सौ पैंतीस है, ये प्लस का पैंतीस है, जब माइनस का एक सौ पैंतीस में से पैंतीस चला जाएगा तो माइनस का बचेगा सौ बटे तीन सौ पंद्रह, अब माइनस इक्यासी और माइनस सौ को जोड़ेंगे तो माइनस का एक सौ इक्यासी और बटे में तीन सौ पंद्रह। इससे अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है, यानी यदि आपको पता है योज्य प्रतिलोम तो आप इसको कर सकते हो। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, योज्य यानी चिन्ह, यानी इनके यदि जो प्लस का उसको माइनस का बनाना है और माइनस का उसको प्लस का, योज्य प्रतिलोम का मतलब है जो चिन्ह दिए गए हैं उनको हम चेंज कर देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सात बटे उन्नीस, तो प्लस का ना इसको हम किसका बना देंगे माइनस का, सात बटे उन्नीस यानी इसका हो गया योज्य प्रतिलोम। दूसरा हमारे पास माइनस का नौ बटे पांच, ये
तो हम इसको प्लस की बना देंगे, तो 9/5। तीन नंबर में देखो माइनस का, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। सबसे पहले माइनस माइनस कट ही रहा है, बच रहा कितना 3/7। यानी देखे तो हमारे पास ही प्लस का ही है, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3/7 प्लस का है, इसको हम चेंज करेंगे तो माइनस का 3/7। इससे अगला माइनस ऊपर भी है, माइनस से नीचे भी है, सबसे पहले तो माइनस से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 13/17। अब इसका बना दो जो प्रतिलोम, तो माइनस का 13/17। यानी योज्य प्रतिलोम का मतलब सिर्फ चिन्ह को चेंज करना है, जो प्लस का उसको माइनस का बना देना और माइनस का उसको प्लस का बना देना। इससे अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। इससे पहले हमने क्या था योज्य प्रतिलोम, योज्य में हम क्या कर रहे थे, जो प्लस का उसको माइनस का बना रहे थे और माइनस का वो प्लस का, यानी सिर्फ उनके चिन्ह को हम उल्टा कर रहे थे। अब यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम, यानी अब की बार गुणात्मक यानी चिन्ह को चेंज नहीं करना है बल्कि संख्याओं को उल्टा कर देना है, यानी जो अंश में हम उसको हर में कर देंगे और हर अंश को अंश कर देंगे। यानी हमारे पास है -17, यानी ये तो सिर्फ एक संख्या है, तो हम बना लेंगे इसके नीचे एक रख सकते हैं, यानी जो अंश है उसको हर कर देंगे और हर उसको अंश कर देंगे, यानी माइनस ऊपर है नीचे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस के ऊपर रहने दो, तो एक और बटे में 17, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर दो, सिर्फ संख्या को क्या करना, चेंज करना, चिन्ह को चेंज ही नहीं करना, तो माइनस का तो माइनस, अब 17 तो कौन चला गया ऊपर और 11 नीचे, ये हमारा आंसर होगा। इससे अगला है देखो -1 × -3, सबसे पहले इसको सोल्व कर दो, 3 × 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3/5, और 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम करना है, और गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 5 को ऊपर और 3 नीचे, यानी चिन्ह कोई चेंज ही नहीं होगा, वो सिर्फ योज्य प्रतिलोम में होता है, गुणात्मक में सिर्फ संख्या ही चेंज होती है। इससे अगला है 13/-19, चाहे 19 माइनस का चिन्ह ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी संख्या क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो 19 तो कहां चला जाएगा ऊपर और 13 कहां जाएगा नीचे। सिर्फ ध्यान ये रखना है योज्य प्रतिलोम के अंदर में सिर्फ चिन्ह को चेंज करते हैं, यानी जो प्लस का उसको माइनस का, यानी सिर्फ चिन्ह को बदल देते हैं, चाहे वो कैसी भी संख्या हो, यदि माइनस उसको प्लस का बना देंगे, प्लस उसको माइनस की। और गुणात्मक क्या होता है, दी गई संख्या को पलट देंगे, अर्थात जो अंश होगी जैसे अंश या हर है ना, तो क्या करेंगे जब गुणात्मक करेंगे तो हर तो ऊपर हो जाएगा और अंश से नीचे आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है बहुत खुश रहे लगा लेगा क्वेश्चन ऊपर, यानी परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम कर देना इसका, यानी आप बोल सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बोल दो या व्युत्क्रम बोल दो, एक ही चीज है, गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल सकते हैं व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं, यानी किसका व्युत्क्रम का काम है -7/15, यानी आपको सबसे पहले -7/15 का व्युत्क्रम यानी उल्टा बताना, और इसका उल्टा क्या होगा, यानी 15 तो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, यानी -7/15 का व्युत्क्रम क्या हो गया -15/7। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में आ जाओ, क्या करा प्रश्न में, क्या करा है 5/
बटे सात को कह सकता है गुणा या का या कोई की बात है, पांच बटे सात को माइनस सात बटे पंद्रह के व्युत्क्रम से गुणा, यानी लेते गुणा, तो गुणा करना है तो किसको, पांच बटे सात को गुणा करना है, माइनस सात बटे पंद्रह के व्युत्क्रम, और माइनस सात बटे पंद्रह का व्युत्क्रम है कितना, माइनस पंद्रह बटे सात। अब गुणा के निशान यदि कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो सीधा गुणा करो, तो पंद्रह को पांच से करो, देखो पांच को पांच से पंचो पच्चीस, पच्चीस को पांच से दो, पांच से कम पांच, पांच और दो सात, और माइनस का निशान सातु सातु उनचास, यानी एक बार फिर से देखना इसको आप, फिर से देखो है छोटा सा, परिमेय संख्या पांच बटे सात को माइनस सात बटे पंद्रह के व्युत्क्रम से गुणा करना है, यदि आप सीधा गुणा कर लोगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर आएगा माइनस का एक बटा तीन, क्योंकि पांच से या पंद्रह सात से सात काट दोगे, आपको करना क्या है माइनस सात बटे पंद्रह का व्युत्क्रम करना सबसे पहले, यानी उसका उल्टा करना है, तो माइनस सात बटे पंद्रह का व्युत्क्रम हमने किया माइनस पंद्रह बटे सात, अब गुणा कर दिया, यानी पांच बटे सात को गुणा कर दिया जो व्युत्क्रम आया था, और व्युत्क्रम हमारा क्या था माइनस पंद्रह बटे सात, अब गुणा कर सकते गुणा ही करेंगे, पंद्रह का पिछहत्तर माइनस और सातु सातु उनचास,